वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई व्लॉग। और ये व्लॉग मैं दोपहर से शुरू कर रही हूँ, अभी दोपहर के 3-4 ऐसी बज रहे हैं। और आज यशिका सो नहीं रही है, उसने सोने नहीं दिया, ना वो खुद सो रही है ना उसने मुझे आराम करने दिया है। और अभी हम लोग वैसे भी ड्राइंग रूम में बैठे हैं क्योंकि एसी सर्विस वाला आ रखा है, तो वहाँ पे एसी की सर्विसिंग चल रही है। मैं यहाँ पे यशिका के साथ हूँ और इसने ये सब बाल निकाल दिए मेरे, खींच खींच के उसने मेरे को इतना बाल खींचे ना, यहाँ दर्द होने लग गया, इतने नोच डाले उसने। यशिका देखो, मैंने सबको बता दिया कि आपने मेरे बाल खींचे, इतनी जोर से बाल खींच दिए मम्मा के, किसी का बेबी ऐसे नहीं करता जैसे मम्मा को बेबी ने कर दिया। अच्छी छोड़े, मम्मा के बाल खींच दिए छारे के छारे, तो स्माइल भी नहीं करता, गंदा बच्चा है ये, गंदा बच्चा ये, किसी को स्माइल भी नहीं करता। हमारा लंच वगैरह सब कुछ हो चुका है, सोचा मैं व्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। सुबह भी मैंने कोशिश करी थी कि मैं ट्राई कर रही थी कि स्टार्ट करती बनाती कुछ, पर फिर मुझे कुछ मौका नहीं मिला और अब बस उठा लिया कैमरा और शुरू हो गए हैं। आपको दिखा देती हूँ मैं मेरे रूम में, जो सर्विसिंग वाला आया है, अभी सर्विसिंग चल रही है, आप देख लो। यहाँ मेरे रूम पे चल रही है सर्विसिंग, ऐसे की पूरे कटे निकाल दे रहे हैं, ये देखिए कुछ कुछ करने में लगे हुए हैं। सूजी है, सूजी काम करवा रही है। ये प्रूफ है कि यशिका मेरे बालों का खजूमड़ बनाने में लगी है, नोच दिया इसने मेरे सिर को। ये देखो यशु, मेरे बाल छोड़ दे। यशु सारे इसके सारे सिर से बाल निकाल दिए इसने मेरे, इतने सारे बाल खींच दिए कि सारा आ गई है यशु की पिटाई करने के लिए कि इसने मम्मा के बाल खींचे। ये तो बहुत देर से उठी हुई है, सबको उठा दिया, दादी को भी, कब उठा कब, सबको। वाह, तीनों का बड़ा प्यार चल रहा है। ओए ओए, अभी दादी के बाल मत खींचना। दादी के बाल छोड़, इसने आज सबका बाल खींचने का वो ले रखा है, प्लान बना रखा है आपने, प्लान बना रखा है ये ने। अभी मेरे खींचे, मेरे तो 3-4 बाल भी टूट गए, लपेट लिए उसने अपने हाथ में। सारा आराम से बेटा, उसके गर्दन पे हाथ रखो ऐसे, ओ देख ऐसे नहीं करते बाबू। अरे उसकी उसका मुंह तो आया ही नहीं इसमें। यीशु फिर से करो, नहीं पकड़ना गोदी बिल्कुल नहीं, सारा ऐसे नहीं बेटा, गर्दन नहीं छोड़नी। मेरी मम्मा की व्लॉग में आप सबको वेलकम है, और दिस इज माय लिटिल सिस्टर एंड माय मॉम हैंड, जो मेरी मम्मा हैंड शेक कर रही है, ये माय सिस्टर्स मिल्क।
एंड दिस इज माय मॉम एंड दिस इज माय ग्रैंडमदर एंड दिस इज माय लिटिल सिस्टर ही शी नेम इज यशिका यशु हर नेम इज यशिका यशु यशु तो शाम हो गई है, मैं सो के उठ गई हूँ। मतलब मुझे था कि दो तीन दिन से मैं सोच रही थी कि मुझे सोना है, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। वो चक्कर में मैं बस दोपहर से चक्कर में थी कि कब वो एसी वाले सर्विसिंग करके जाएं और मैं सोऊं। तो फाइनली वो लोग थोड़ी देर में चले गए थे उसके बाद, और फिर मैं एक घंटा अपना अच्छे से सो गई हूँ, फिर मैं उठी हूँ। यशिका अभी भी सो रही है, वो एसी चलता है तो साउंड स्लीप आ ही जाएगी। तो सारा बाहर अपनी दादी के साथ खेल रही है, चाचू के साथ खेल रही है। बस अब मैं वापस से आ गई हूँ रसोई में, फैल रखी है थोड़ी सी, फैली फैली सी हो रही है तो थोड़ा सा समेट देती हूँ। और आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है, कुछ बहुत स्पेशल है आज, आप लोगों से करूंगी मैं जल्दी से शेयर। बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो आज है मम्मी और पापा की यानी कि मेरी सास ससुर की एनिवर्सरी। बहुत ही मतलब सटल और बहुत ही प्यारे से शांत से तरीके से सेलिब्रेट होती है हर साल, वैसे ही कुछ अभी आज भी करेंगे और बस आपके साथ शेयर करूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो अभी मैंने थोड़ा सा किचन को संभाला है, समेट दिया है और थोड़ा सा मैंने फेस वॉश किया है। सो के उठ के तो इतना फूल जाता है मेरा चेहरा, तो बस थोड़ा सा फ्रेश लग रही हूँ, मतलब खुद को लग रही हूँ फ्रेश क्योंकि मैंने मुंह वगैरह धो लिया है। और अब जाके देखते हैं जो हमारा कपल है वो रेडी हुआ है या नहीं हुआ है, और चलिए चल के देखते हैं क्या क्या तैयारी है। और आज एक चीज़ मतलब बहुत ध्यान रखी है रोहन ने यानी कि मेरे देवर ने, कि इतनी गर्मी में खाना तो नहीं बनाना है मम्मी और को या कोई भी, मतलब खाना बनाएगा नहीं, सब कुछ रेडीमेड आया हुआ है, बनवाया गया है, सारा खाना बनवाया है, सारी तैयारियां हो गई हैं। तो चल के एक फटाफट से चेक कर लेते हैं कि मम्मी पापा ये लोग रेडी हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। उन लोगों को रेडी करेंगे, खुद भी रेडी होंगे और फिर आज से मिलेंगे। यशु तो सो रखी है, जिसकी शादी है वो तो तैयारी नहीं हो रखा। अच्छा अभी नहा दोगे फिर से रेडी होंगे। अच्छा तो फिर बताओ क्या ड्रेस कोड है आज का। कौन से रंग का? मैं भी पहन लेती हूँ जा, महंगा वाला लहंगा आज तो बनता है। सही बात है। खिंच के पहुंच आ गई छोटे दादू के पास। नहीं नहीं अभी देखना, अभी चाचा को देख के देखना कैसे मुंह बनाएगी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाहर, चलो बाहर चलो आ जाओ, आओ केक कट करते हैं। चलो 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 केक कटिंग करते हैं। Thank you.
सही।